दोस्तों आज मैंने इस चैनल पे एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है जिनका रिसेंटली ही TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS में इनका सिलेक्शन हुआ है IT वाले रोल पे। BPS के इंटरव्यूज तो आप लोगों ने पहले देख ही लिए, इस बार एक IT वाले पर्सन को हमने यहाँ पे इनवाइट किया है। उनका यहाँ पे सिलेक्शन भी हो चुका है, एक महीना हो गया ज्वाइनिंग को। एक तो हम उनसे पूछेंगे उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस, TCS का जो एग्जाम होता है आगे के जो टेक्निकल राउंड इंटरव्यूज वगैरह जो भी कुछ होता है, उसके बाद हम इनसे थोड़ा सा जानेंगे इनका वर्क एक्सपीरियंस कैसा रहा ओवरऑल अभी तक जो एक महीना निकला है। तो पूरा आप लोग ध्यान से समझना, कोई भी पार्ट मिस मत करना। और पहली बार अगर आप इस चैनल पे हैं, पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के वीडियोस मैं आप लोगों के लिए चैनल पे लेके आता रहता हूं। सब हम बिना टाइम को वेस्ट के सीधा इंटरव्यू के ऊपर चलते हैं। सो यस एवरीवन, टुडे वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट उत्तम विदस, जिनका कि TCS में सिलेक्शन हुआ है IT प्रोफाइल में और यहाँ पे ये वर्क कर रहे हैं। उत्तम, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत थैंक यू करता हूँ, बिकॉज TCS के रिगार्डिंग बहुत लोगों को डाउट्स रहते हैं कि क्या इसका इंटरव्यू प्रोसेस होता है, बिकॉज इनका टेस्ट भी होता है और इंटरव्यू प्रोसेस भी होता है, कैसे इसको क्रैक करना ईच एंड एवरीथिंग। तो आप इस चैनल पे अपनी एक जर्नी यहाँ पे शेयर करने आए हो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस चैनल। थैंक यू। So, उत्तम, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस को एक इंट्रोडक्शन जरूर दे दो अपना, लाइक आप कहाँ से हो, आपकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड ऑल। माय नेम इज उत्तम सिंह चौहान एंड आई एम फ्रॉम कानपुर उत्तर प्रदेश एंड आई एम ग्रेजुएटेड विथ बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम दयानंद एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। सो दिस टाइम आई एम वर्किंग विथ TCS इन IT सेक्टर। थैंक यू। और एक चीज मैं पूछना चाहूंगा उत्तम आपसे, जैसे आपने बताया TCS में है आपका, तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन तो यह है, जैसे TCS में आप IT प्रोफाइल के अंदर हो, तो यहाँ पे एग्जैक्ट आपका क्या काम है इस प्रोफाइल के अंदर और आपको कितना टाइम हो गया TCS में वर्क करते हुए? TCS में ना काफी सारे प्रोफाइल्स होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट प्रोफाइल्स होते हैं। अभी आपको पहले से नहीं बताया जाता है कि आप इस प्रोफाइल पे काम करेंगे या फिर ऐसा ऐसा काम होगा, बट मैंने जब ज्वाइन किया तो उसके बाद मुझे काम मिला है कि मैं टेक्निकल में अच्छा हूँ तो मुझे टेक्निकल वर्क प्रोवाइड किया गया। तो इसमें मेरा वर्क है कि जैसे जो डेवलपर्स लोग हैं उन्होंने कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, कोडिंग वगैरह किया है, तो उसमें बग्स और डीबग्स मुझे ढूंढने होते हैं, मतलब कोई यहाँ पर कुछ गलती हो गई है तो उसको मैं ठीक करता हूँ, ये मेरा काम है। ठीक है, तो ओवरऑल वैसे कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे काम करते हुए? अभी तो मुझे अप्रॉक्स 1 month हुआ है। अच्छा, 1 month हुआ है, तो यहाँ पे फिर अभी आपको वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है कि ऑफिस मिल रहा है उत्तम? एक्चुअली ये तो पूरा प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है, अगर क्लाइंट मान जाता है वर्क फ्रॉम होम के लिए, अगर क्लाइंट कहता है कि ठीक है अगर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और जो भी एम्प्लॉयज हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर क्लाइंट ऐसा बोलता है तो वर्क फ्रॉम होम दिया जा सकता है, अगर क्लाइंट बोलता है वर्क फ्रॉम ऑफिस है तो ऑफिस भी रहता है। राइट। तो मतलब जैसे आपने बताया तो एक महीना हो गया, तो मतलब इस एक महीने में कैसा आपको लग रहा है काम करके, कैसा वर्क कल्चर है TCS का? वर्क कल्चर बहुत ही बढ़िया है, मैं तो ये कहूँगा कि TCS इज अ वेरी गुड कंपनी और प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है। आप मतलब मैं अभी तो ट्रेनिंग पे ही हूँ इनिशियली, तो मुझे ऐसा नहीं है कि आपको जल्दी जल्दी वर्क सिखाया जा रहा है कि जल्दी से काम करना स्टार्ट कर दो, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रॉपरली ट्रेनिंग दी जा रही है, बाकायदा आप नहीं समझा रहा आप बार बार पूछ सकते हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। तो अब मैं चलता हूँ उत्तम स्पेशलिस्ट के इंटरव्यू प्रोसेस की तरफ, जिसके लिए मैंने आपको इनवाइट किया है। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है, जैसे TCS में जब आपने अप्लाई किया, यूजली जैसे लोग इनके करियर पोर्टल से करते हैं, तो आपने भी वहीं से अप्लाई किया था क्या, करियर पोर्टल से ही? TCS का एक तो नेक्स्ट पोर्टल है, तो वहाँ पे तो आपको सब कुछ फिल करके रखना ही होता है ताकि हाँ। जो भी वैकेंसीज आए तो उस पर डायरेक्ट अप्लाई होता जाए, और वैसे मुझे जब भी वैकेंसीज आती थी तो आपके चैनल से मुझे पता चलता था और भी यूट्यूब के चैनल में भी वो भी देखता था, और इस तरह से मैंने फॉर्म भरा, पेपर वगैरह दिया, ये चीज़। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, जब आपने अप्लाई किया उत्तम, आपके इंटरव्यू के टोटल कितने राउंड्स हुए यहाँ पे? टोटल 2 rounds एंड मतलब एक राउंड, पहला राउंड जो था उसमें टेक्निकल और मैनेजरियल दोनों ही थे, और उसके बाद HR राउंड था। नहीं मैं समझा नहीं उत्तम, आप दोबारा से, पहला राउंड आपने बताया कोई टेस्ट बोला शायद आपने? नहीं, टेक्निकल और मैनेजरियल दोनों ही। ओके, वो पहला राउंड था आपका? हाँ। और उसके बाद बाकी दूसरा HR राउंड था,
अच्छा वो एचआर राउंड था, क्योंकि यूजली ना मैं बताता हूँ, तो मतलब आपसे पहले मैंने 2 से 3 इंटरव्यू शूट किए हैं टीसीएस के, लेकिन वो थे बीपीएस प्रोफाइल के, बिजनेस प्रोसेस वाले। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे पहले टेस्ट होता है उनका, उसके बाद इंटरव्यू होता है। लेकिन आपने बताया यहाँ पे आपका पहले वो टेक्निकल राउंड कुछ समथिंग हुआ है ना, जो आप बता रहे हो। नहीं, एक्चुअली टेस्ट तो बहुत पहले ही हो गया था मेरा, करीब 6 to 7 months ago। अच्छा, टेस्ट आपने भी दिया, वही मैं पूछो। हाँ। टेस्ट तो होते ही होगा ना, आपका भी हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, टेस्ट तो होता ही है। राइट। हाँ। तो टेस्ट के बाद वो 2 राउंड हुए आपके। हाँ हाँ। ओके। तो सबसे पहले तो तब मैं चाहता हूँ ना, वो टेस्ट के बारे में आप थोड़ा जरूर ऑडियंस को गाइड करो कि टीसीएस का ये जो टेस्ट होता है किस टाइप का होता है, कैसे इसमें क्वेश्चन होते हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल होता है, थोड़ा सा मतलब मैं चाहता हूँ आप इसके बारे में एलैबोरेट कर दो। मैं तो ये कहूँगा कि जो टीसीएस का एग्ज़ाम होता है वो मॉडरेट ही होता है, मतलब ज़्यादा टफ नहीं होता है। लेकिन अगर आपने प्रिपरेशन कर रखी है तो, अगर आपने प्रिपरेशन नहीं कर रखी है तो फिर आपके लिए टफ होगा। जैसे इंग्लिश हो गया तो इंग्लिश ज़्यादा टफ नहीं आता, बहुत ईजी होता है। रीजनिंग पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, जैसे रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन आते हैं कि सीक्वेंस में नंबर्स दिए हुए हैं तो आपको लास्ट नंबर बताना है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पिक्टोरियल भी आते हैं, पिक्चर्स दी होंगी आपको, फोर्थ पिक्चर क्या है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो रीजनिंग पे मैं कहूँगा कि ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। राइट right. ठीक है। तो उसके बाद जैसे आपने बताया आपका टेस्ट हुआ यहाँ पे, टेस्ट के बाद जैसे अब आपने बताया सेकंड नंबर पे आया आपका टेक्निकल राउंड, शायद आपने बताया, गेस राइट। टेक्निकल और मैनेजरियल दोनों एक साथ ही हुए। राउंड ये आई गेस कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ था आपका, ऑनलाइन। हाँ, मेरा ऑनलाइन हुआ था, वर्चुअली था। हाँ, तो अब आप इसके बारे में थोड़ा बता दो कि ये जो टेक्निकल एंड मैनेजरियल राउंड था ये कितने ड्यूरेशन तक चला और इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, कैसे आपने इसको करेक्ट किया, किन बातों का ध्यान रखना होता है इस राउंड में। हाँ, ये टोटली आपके कॉन्फिडेंस पे वो होता है, डिपेंड करता है। जितना भी आप अच्छे से बोल पाएंगे, जितना भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, तो आपको 100% आपको सेलेक्ट किया जाएगा। क्योंकि और ज़्यादातर ध्यान रहता है कि हमारा आई कांटेक्ट भी रहना चाहिए, अपना जो भी हम लोग बात कर रहे हैं, जो भी उनको समझा रहे हैं वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए, जो भी हम लोग बताना चाहते हैं उनको पूरा कंप्लीट होना चाहिए। और टोटली इंग्लिश में होता है, अगर आप इंग्लिश में देते हैं तो बहुत ही बेटर है। हालाँकि वो लोग अगर हिंदी में बोलते, तो मैं भी हिंदी में बोलता, लेकिन वो लोग पूरा टोटली इंग्लिश में बोल रहे थे, तो मैंने भी फिर टोटली इंग्लिश में ही वो इंटरव्यू दिया था। अच्छा, एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा उत्तम, जैसे आपने इस राउंड का नाम बताया टेक्निकल एंड मैनेजरियल राउंड, टेक्निकल वर्ड इसमें क्योंकि आ रहा है, तो क्या टेक्निकल से रिलेटेड कुछ टर्म्स यहाँ पे पूछी गई, जैसे कोई कोडिंग वोडिंग टाइप कुछ होता है, ऐसा कुछ भी था क्या इसमें? हाँ, उन्होंने पूछा था कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया हो अपने स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम पे, और या फिर कभी भी आपने कोई प्रोजेक्ट किया हो टेक्निकल से रिलेटेड, तो वो बताना होता है आपको, अच्छे से समझाना होता है कि क्या काम था आपका, क्या रोल था उस प्रोजेक्ट में। और क्वेश्चन थे कि इफ एल्स में क्या डिफरेंस होता है, जावा में और सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस होता है, मतलब 3-4 क्वेश्चन टेक्निकल थे। हाँ। तो ये कितने ड्यूरेशन तक चला होगा ये वाला जो इंटरव्यू राउंड था आपका? ये करीब मेरे ख्याल से 20 to 25 मिनट चला होगा। 20-25 minutes। उसके बाद उत्तम आपने बताया लास्ट में आपका हुआ एक एचआर फाइनल राउंड, है ना? अब आप इसके बारे में बता दो उत्तम, ये राउंड आपका कितने ड्यूरेशन तक चला, इसमें रिक्रूटर ने आपसे कौन कौन से सवाल पूछे थे, और ये दूसरे राउंड से कितना अलग था? टेक्निकल और मैनेजरियल ही सबसे मेन इंटरव्यू होते हैं, उसके बाद तो एचआर तो बहुत ही ईजी होता है। मैंने मेरे ख्याल से ये 10 मिनट का रहा होगा एचआर इंटरव्यू, तो उसमें सिंपल सी चीज़ें आपका पैन कार्ड वगैरह, आईडी वगैरह पूछते हैं, और आपको बताते हैं कि कितना हम आपको पे करेंगे, पे रेट बताते हैं, वो चीज़ें हैं, और क्या वर्क कल्चर है ये चीज़ें बताते हैं। बाकी हम लोगों से कुछ ज़्यादा वो लोग नहीं पूछते, मतलब एचआर राउंड तो बहुत ही सिंपल राउंड होता है। तो मतलब ये एक फाइनल स्क्रीनिंग की तरह हो गया ना, तुम की बस वो कंफर्मेशन ले लेते हैं कि अभी कैंडिडेट एक्चुअली में अब इंटरेस्टेड है कि नहीं है, तो सिलेक्ट करो फिर इसको। हाँ, बस ठीक है, समझ गया मैं। और बस इसके बाद फिर आपको सिलेक्शन का शायद ईमेल वगैरह आ गया होगा, राइट? हाँ, उसके बाद मेरे पास कॉल आया कि आपको ऑफर लेटर टीसीएस नेक्स्ट पोर्टल पे मिल जाएगा, वहां पे आप एक्सेप्ट कर सकते हो, तो ऐसा था। तो यहां पे अभी आप जिस प्रोफाइल में हो टीसीएस में, आपका डे टू डे क्या काम रहता है यहां पे? जैसा बताऊं तो
कोई भी कोडिंग आती मेरे पास, कोडिंग प्रोग्रामिंग आती है, और वहाँ पे सबसे पहले वो चीज़ बताते हैं कि तो आपको ये चीज़ें इसमें देखनी है, अगर यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो आपको उसको ठीक करना है। तो ये चीज़ें हैं मेरे डिपेंड करती हैं कि अगर मैं देखता हूँ कि वो रन नहीं कर रहा है तो वो रन कराने की कोशिश करता हूँ, किसी से भी हेल्प भी ले सकता हूँ, ऐसा नहीं है, तो हर चीज़ मैं करता हूँ अपने हिसाब से कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा लास्ट में आपसे उत्तम, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप अपनी एग्जैक्ट सैलरी डिस्क्लोज करो, बट मैं एक एस्टिमेट जरूर जानना चाहूँगा कि एज ए फ्रेशर अगर कोई पर्सन TCS में IT वाले रोल पे सिलेक्ट हो रहा है तो कितनी सैलरी वो पर मंथ की एक्सपेक्ट कर सकता है ऑन एन एवरेज? डिपेंड करता है कि आप कितना वर्क कर रहे हैं और मतलब वर्क क्या किस पोजीशन पर, अभी मैं ट्रेनिंग पोजीशन पर हूँ तो अभी मुझे 25 मिल रहा है इन हैंड, और इसके बाद 25 तो 30 आप बोल सकते हैं अभी, इसके right. बाद आफ्टर 6 मंथ और 7 मंथ इट विल बी इंक्रीज। और इसमें वर्किंग डेज कितने होते हैं यहाँ पे आपके? 5 वर्किंग डेज। 5 वर्किंग डेज होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया, चलो सारे जो इंटरव्यू से रिलेटेड थे। अभी मैं चाहता हूँ लास्ट में उत्तम आप ऑडियंस को ना कुछ मास्टर टिप्स जरूर दे दो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, कि अगर कोई पर्सन TCS में अप्लाई कर रहा है, अगर वो TCS में जॉब लेना चाह रहा है तो उसको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ उसको पहले से पता होनी चाहिए जिससे कि वो यहाँ पे सिलेक्ट हो पाए सारे राउंड्स क्लियर करके? ओके, तो सबसे पहले मैं अपनी आपके ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि सबसे पहले क्या है कि उस चीज़ को आप जहाँ पे आप TCS का पेपर देना चाहते हो तो सबसे पहले तो पेपर क्लियर करने के बारे में ही आपको सोचना चाहिए कि पेपर कैसा आता है, क्या चीज़ होती है उसमें, और कैसा कैसा लेवल होता है। गूगल से डिफरेंट डिफरेंट चैनल से यूट्यूब पे वहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने काफ़ी मदद ली है आपके चैनल से भी और कई दूसरे भी चैनल से, वहाँ से आप मदद ले सकते हो एग्ज़ाम्स की। और टेक्निकल के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो मैं कहूँगा कि आपके अगर प्रोजेक्ट्स हैं कुछ आपने बना रखे हैं कॉलेज में, प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट बना रखे हैं, तो उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि मैंने मेरा यहाँ पर रोल क्या था, मैंने क्या किया था इसमें, ताकि इंटरव्यू टाइम पर आप जो है क्लैश ना कर जाओ। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना होगा, और बाकी इंटरव्यू टाइम पर कॉन्फिडेंस इज़ मेन थिंग, सो दैट्स ऑल। राइट, सो उत्तम मेरी तरफ से तो क्वेश्चन सारे खत्म है, आपने बहुत अच्छे से रिस्पोंड किया, सारा बता दिया, क्वेरीज भी सब क्लियर कर दी। अभी लास्ट में अपार्ट फ्रॉम इंटरव्यू आप अपनी तरफ से आप ऑडियंस को अपनी कोई भी बात बोलना चाहते हो या आप अपना कोई भी मैसेज देना चाहते हैं, सो यू कैन स्पीक। मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी इस टाइम जॉब्स में बहुत ही मारा मारी है, तो आपको अपना 100% देना पड़ेगा। अगर आप कहीं से भी कुछ भी करते हो आपको अपना 100% देना पड़ेगा, जितना भी इंटरव्यू दोगे आप, अगर आपने सोच लिया कि मेरा इंटरव्यू नहीं हो पाएगा, मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगा, तो फिर तो नहीं हो पाएगा। अगर आप चाहते हो कि हो जाए तो आपको एक स्टेप आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। तो मैं यही कहूँगा कि गिव योर 100% एंड मूव फॉरवर्ड विदाउट थिंकिंग लाइक आई गॉट फेल इन दिस थिंग एंड दिस थिंग। ग्रेट, सो मेरी भी यही विशेष है उत्तम, आप अपने इस करियर में बहुत आगे बढ़ें, बहुत ग्रो करें, बहुत अच्छी पोजीशन पे आप जाएं। सो वंस अगेन मैं आपका बहुत थैंक यू करता हूँ, आप इस चैनल पे आए, आपने TCS का अपना एक जर्नी एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया जिससे डेफिनेटली हजारों बच्चों को बेनिफिट मिलने वाला है। सो वंस अगेन थैंक यू उत्तम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। सो गाइज ये थे हमारे साथ उत्तम जो कि TCS में IT रोल पे ये वर्क कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को बहुत चीज़ें सीखने को मिली होंगी, स्टिल कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन ही है। और ये इंटरव्यू अगर अच्छा लगा आप लोगों को तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसे वीडियोज मैं आप लोगों के लिए चैनल पर रेगुलर बेस पर लेके आता रहता हूँ। सो मिलेंगे दोस्तों दोबारा से जल्दी कैसे और इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ, तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद।